भैया बनो से मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने विद्यालय में 5 जून से लेके 15 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें से एक कार्यक्रम जो है पत्र वाचन दिया गया है। पत्र वाचन जो क्लास 6, 7, 8 के भैया बहनों के लिए होगा। पत्र वाचन में क्या करना होता है कि कागज में कुछ बिंदु को लिखना होता है, विभिन्न बिंदुओं को लिखकर और पत्र वाचन करते समय जस्ट उनको पढ़ा जाता है, इसी को पत्र वाचन कहते हैं। तो पत्र वाचन में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस बार पत्र वाचन का सब्जेक्ट योग के ऊपर में है और योग के बारे में हमें बताना है कि मेडिकल आधार पे, मेडिकल फिटनेस के आधार पे कैसे योग उपयुक्त है और योग के क्या क्या चीजें हैं जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कैसे उपयुक्त है और किन किन बीमारियों में किस तरह की योग होती है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। सब्जेक्ट क्या दिया गया है मैं आपको बताता हूं पढ़ के। इफेक्ट ऑफ योगा ऑन फिजिकल फिटनेस ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल पैरामीटर, हिंदी में ये है मेडिकल मापदंडों के आधार पर योग का शारीरिक फिटनेस पर प्रभाव। तो यहाँ पे ये दो तीन शब्द जो दिख रहे हैं हमें, एक जो यहाँ पे शब्द दिख रहा है कि योग का प्रभाव हमें देखना है शारीरिक फिटनेस पर, और ये जो है इसमें मेडिकल के जो पैरामीटर है, आधुनिक मेडिकल विज्ञान है, इसके बारे में हमें बताना है। या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के योग क्या क्या है जो कि तरह तरह के बीमारियों में वो काफी यूजफुल है, लाभप्रद है और उसको करने से फायदा होता है। या हम इसको संक्षेप में और सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि योग करने से कैसे हमारी जो जो भी हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां हैं उसको कम करने में, उसको ठीक करने में योग जो है मदद करता है। तो मैं पुनः एक बार बताता हूं कि पत्र वाचन 9 तारीख को होगा और समय इसका जो है 10 से 11 बजे है। ये कक्षा 8, 7 और 6 के भैया बहनों के लिए है। तो वो दोनों भाषा में से किसी में दे सकते हैं, या तो वो हिंदी में दे सकते हैं या तो वो इंग्लिश में दे सकते हैं। भाषा का जो है कोई मैटर नहीं है, आप चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। आपको विषय वस्तु के ऊपर ध्यान देना है कि क्या विषय वस्तु क्या है और किसके ऊपर कहना है। तो एक बार मैं पुनः बताता हूं कि क्या ये विषय है आपका। इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अ फिजिकल फिटनेस ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल पैरामीटर, हिंदी में इसको कहें तो मेडिकल मापदंडों के आधार पर योग का शारीरिक फिटनेस पर प्रभाव। तो योग का शारीरिक फिटनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग को बताना है। और जहां तक योग करके दिखाने की बात है, ये पत्र वाचन में ऐसा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर एक्सप्रेशन करके बताई जा सकती है तो ये भी अच्छी बात होगी, बताया जा सकता है। लेकिन पत्र वाचन में मेनली पढ़ना होता है, बताना होता है, साथ में अगर आप कुछ ग्राफ वगैरह का, फोटो वोटो का, पोस्टर का भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पत्र वाचन हिंदी या इंग्लिश में दोनों में दिया जा सकता है। देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं जो केवल दवाई खा के लोग सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या और बहुत तरह की बीमारियां हैं, घुटने वगैरह का जोड़ वगैरह है। दवाइयां खाने से कोई अंत उनका नहीं है, जीवन भर बहुत तरह की दवाइयां हैं जिसको खाना पड़ता है, जब तक जीवन रहता है तब तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसमें यह देखा गया है कि योग का अगर सहारा लिया जाता है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर जेनेटिक बीमारी नहीं है, हेरिडिटी बीमारी नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल योग के द्वारा पाया जा सकता है। जैसे डायबिटीज बीमारी है तो इसको योग के द्वारा पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है।
काफी चांसेस हैं कि पूर्णतः ये कंट्रोल हो जाए। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसके ऊपर योग से कंट्रोल हो जाए। मोटापे की बीमारी है तो ये योग से कंट्रोल हो जाए। तो हमें पत्र वाचन में बताना है कि जो विभिन्न तरह की जो मेडिकल मापदंड है उसके आधार पे योग शारीरिक फिटनेस कैसे हमें प्रदान करता है। तो मैं पुनः एक बार बोलना चाहूंगा कि हिंदी या इंग्लिश भाषा का ध्यान नहीं रखना है, और आप अलग अलग माध्यम हैं, स्रोत हैं। अगर आपके फिजिकल एजुकेशन की बुक है तो उससे आप कुछ मदद ले सकते हैं। गूगल से जो है ये टॉपिक को टाइप करके आप कुछ उसमें से आर्टिकल निकाल सकते हैं, और पत्र वाचन में सिंपली आपको पढ़ना है, बताना है। योग तो योग का मीनिंग जो है काफी विद्वानों ने अलग अलग तरह से दिया हुआ है। एक जनरल टर्म में अगर योग के बारे में अगर हम योग बोलते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में जैसे दो और दो चार योग कहते हैं हम लोग कि योग क्या होगा, दो और दो का, तो दो और दो का योग चार होगा। उसी तरह से अगर माता पिता का जो है योग कहा जाए कि माता का पुत्र का योग जो है, तो जैसे दो शब्दों का योग करते हैं हम लोग, माता पिता या माता, तो इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं घर में, मान लीजिए बेटा हो या बेटी हो तो माँ बेटी या माँ बेटा, ये जो है माँ बेटा जो शब्द आता है तो काफी एक सुखद योग की अनुभूति होती है। तो ये जो है जोड़ने का जो प्रयास है इसे ही योग कहते हैं हम लोग संक्षेप में। तो व्यक्ति जुड़ते हैं तो परिवार बनता है, परिवार जुड़ता है तो ग्राम बनते हैं, ग्राम जुड़ते हैं तो शहर बनता है, शहर जुड़ता है तो राष्ट्र बनता है। तो ये काफी समृद्ध होते जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने योग की अलग अलग व्याख्या की है, तो हम लोग को योग की डिफिनीशन के बारे में नहीं बताना है, योग के प्रकार के बारे में नहीं बताना। देखिए योग के अलग अलग अंग बताए गए हैं, जैसे कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो योग के अलग अलग अंग हैं, ये सारे के बारे में भी नहीं बताना है हमें। दो चार जनरल हम लोग को योग के आसन जो हैं उन आसन के बारे में बताना है, प्राणायाम वगैरह है उसके बारे में बताना है कि क्या क्या योग की क्रियाएं हम लोग जनरल योग की क्रियाएं कर सकते हैं, और मेडिकल पैरामीटर के आधार पे वो कैसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। तो समय जो है 5 से 7 मिनट का समय रहेगा पत्र वाचन के लिए, और उम्मीद की जाती है कि आप हिंदी या इंग्लिश की किसी भी लैंग्वेज में आप योग के बारे में देंगे। मैं पुनः एक बार आपको बताता हूं कि यह टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन फिजिकल फिटनेस ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल पैरामीटर्स, मेडिकल मापदंडों के आधार पर योग का शारीरिक फिटनेस पर प्रभाव। देखिए संक्षेप में मैं ये बताऊं, जैसे कि डायबिटीज की बीमारी है तो डायबिटीज बीमारी में केवल अगर दवाई खा ले और सोचे कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो उसमें काफी सारी समस्या आती है। जब भी शुगर की समस्या हो, हमारे खून में जो है शर्करा का मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गया हो, तो केवल दवाइयां खाने से ही उसका लेवल कंट्रोल में नहीं आता है शुगर का, उसके लिए हमें शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है, व्यायाम की जरूरत होती है। जब तक हम शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे, अलग अलग तरह के योग के क्रियाएं हैं, जैसे चलना हो गया ये भी एक योग हो गया, दौड़ना है ये भी एक योग हो गया, इसके अलावा अलग अलग तरह के आसन हो गए ये भी एक योग हो गया। तो शरीर की एनर्जी जो है बर्न होती है, जो भी हमने खाया आवश्यकता से अधिक जो खाया वो शरीर में हमारा जाके शुगर वो बन जाएगा, और दवाइयां खाने के बावजूद भी शुगर को बर्न होना चाहिए, नहीं तो वो शरीर में फैट के रूप में संग्रहित हो जाएगा और फिर फैट का जगह नहीं बचेगा संग्रहित कि कहां करे शरीर। तो कितनी भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहेंगे हम लोग, दवाइयां खाते रहेंगे,
वह हमारा शुगर का लेवल नहीं घटेगा। शुगर का लेवल तभी घटेगा जबकि हम कुछ मेहनत करें, कुछ एक्सरसाइज करें, हम योग करें। योग चाहे वो प्राणायाम के द्वारा हो सकता है, चाहे अलग अलग तरह के आसन के द्वारा हो सकता है। तो मेडिकली हम लोग देख रहे हैं कि योग का महत्व है। योग से जो है हमारा जो शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम लोगों ने लिया, उस कैलोरी को बर्न करने में योग मदद करता है और इस तरह से शुगर लेवल जो है हमारा वो कंट्रोल रहता है। नहीं तो केवल हम लोग खाते जाएंगे दवाइयाँ और जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उसको बर्न होने का कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो वो शुगर लेवल बढ़ाता जाएगा। इसी तरह से अगर हृदय संबंधी कोई रोग हो गए, हार्ट संबंधी कोई रोग हो गए, ब्लड प्रेशर उच्च, रक्तचाप संबंधी कुछ रोग हो गए, तो उसके लिए आसन की, व्यायाम की जरूरत पड़ती है। केवल दवाइयां खाने से ही जो है रोग ठीक नहीं हो पाता है। हृदय आजकल का जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है जिसमें हम लोग केवल आराम तलब ही हो गए हैं, कुछ सारी चीजें जो है रिमोट से ही हो रही हैं। एसी बंद करना है तो रिमोट से बंद हो गया, टीवी बंद करना है तो वो भी रिमोट से हो गया, आजकल पंखे लाइट भी सब रिमोट से ही हो रहे हैं, तो उठने बैठने का कहीं जगह स्कोप नहीं आ रहा है। तो शरीर जो है शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहा। जब तक हम शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, खून जो है, जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेंस में अच्छी तरह से प्रवाह उसका नहीं हो पाएगा। हृदय जो है, जैसे कि हम दौड़ते हैं तो देखते हैं कि सांस जो है हमारा फूलने लगता है, हृदय की गति जो है वो तेज हो जाती है। दौड़ते हैं हम तो सारे अंगों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके लिए हृदय जो हमारा जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, तो हम देखते हैं कि पल्स रेट उस समय हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सारे बॉडी में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हार्ट जो है जल्दी जल्दी पंप करने लगता है ऑक्सीजन देने के लिए। तो हमारे नसों को सुचारू रूप से रखने के लिए, हार्ट को सुचारू रूप से रखने के लिए हमें कुछ व्यायाम की जरूरत है, कुछ आसन की जरूरत है, कुछ प्राणायाम की जरूरत है। जब तक हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो फिर हमारी मांसपेशियां जो हैं, हमारे शरीर में जो खून है, उनका संचार सही ढंग से नहीं हो पाएगा और तरह तरह के हृदय संबंधी बीमारी जो है हो जाएगी। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स हमें देना है और आप गूगल से जो है मदद ले सकते हैं। ये जो टॉपिक दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन फिजिकल फिटनेस ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल पैरामीटर, इसको आप गूगल में टाइप करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल दिखाएंगे। या मेडिकल मापदंडों के आधार पर योग का शारीरिक फिटनेस पर प्रभाव, याद रहे 9 तारीख को है ये, 10 से 11 बजे क्लास 6, 7, 8 के लिए। ज्यादा अधिक जानकारी योग के बारे में लेना हो, फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में, तो आप अपने फिजिकल टीचर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर जो हैं योग के, फिजिकल एजुकेशन के, उनसे भी आप संपर्क ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आप मुझसे भी व्हाट्सएप के थ्रू सजेशन वगैरह ले सकते हैं। याद रखना है 9 तारीख को 10 से 11 बजे आपको पत्र वाचन करना है। पत्र वाचन में 5 से 7 मिनट कुछ लिख लेना है आइटम, अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू आपको एक तैयार करना है, एक पेज में या डेढ़ पेज में जो हो, और पढ़ के आपको सुनाना, यही आपका पत्र वाचन होगा।